स्वागत है आपका इस वीडियो में हम यहाँ पर एडवांस कैलकुलस मैथ का चैप्टर नंबर फिफ्थ पार्शियल डिफ्रेंसियन फॉर बी ए बी एस सी सेमेस्टर थर्ड के लिए अब तक इस चैप्टर में हम एक्सरसाइज एक्सरसाइज तक के और के बेसिक और सभी क्वेश्चन को समझ चुके हैं के साथ आज हम समझेंगे इसकी लास्ट वन एक्सरसाइज एक्सरसाइज फाइव पॉइंट फोर के बेसिक कंसेप्ट को और इसके एग्जाम्पल्स को इस चैप्टर के अपने पास सबसे एक्सरसाइज है देखिए इजी किस तरीके से है इसमें केवल अपने पास एक ही टाइप के क्वेश्चन हैं उनके लिए हमें केवल एक ही फॉर्मुला याद होना चाहिए जो कि हम पहले भी समझ चुके हैं वो फॉर्मूला क्या रहेगा जैसे कि यहाँ पर देखिए टाइलर थोरम फॉर फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल हमें केवल जो टाइलर थोरम की एक्सपेंशन की इसकी सीरीज होती है उसको ध्यान में रखना है वो कुछ इस तरीके से होती है जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हो केवल हमें ये पता होना चाहिए इसको हम सेकेंड जो चैप्टर है अपने पास द डेरिवेटिव एंड मीन वैल्यू थोरम इसमें भी समझते हैं जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं बट इसमें और इसमें अपने पास डिफरेंस केवल इतना है देखिए ये अपने पास फंक्शन एक ही होता है यहाँ पर अफ ऑफ एक्स की फॉर्म में अपने पास फंक्शन होता है केवल एक वेरिएबल के लिए और यहां पर अपने पास फंक्शन होता है कुछ इस तरीके से अफुफ एक्स वाई के फॉर्म में मतलब कि दो वेरिएबल अपने पास हो जाते हैं केवल इतना डिफरेंस है और सेमेस्टर में कैलकुलस की बुक में भी हम इसको समझते हैं तो याद करने में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी केवल आपको एक वेरिएबल यहां पर बढ़ा देना है काफी ईजी रहेगा का इसको याद करना स्टार्ट करते हैं यहाँ पर एक बार इसको लिख लेते हैं किस तरीके से अपने पास देखिये अफुफ एक्स वाई अपने पास फंक्शन है जिसके लिए हम अप्लाई करें जिसके ऊपर टाइलर थोरम और हमें कोई भी दो पॉइंट मिलेंगे जैसे कि ए बी करके हमें दो पॉइंट मिलेंगे यहां पर ठीक है तो इस तरीके से लिखेंगे एफ ऑफ ए बी जो फंक्शन है हमारे पास वहाँ पर एक्स की जगह हमने ए पॉइंट पुट कर दिया बी वाई की जगह हमने बी पुट कर दिया फिर डायरेवेटिव की फॉर्म में मतलब एक और मैं लिख देता हूँ यहाँ पर अब क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा फिर कुछ इस तरीके से लिखेंगे इंटू में अफ ऑफ ए बी और यहाँ पर ही दर्शाता है पार्सल डेरिवेटिव इसको अंदर लेके आएंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो अपने पास फंक्शन में हमने ए बी पुट कर दिया उसके साथ ठीक है फिर इसी तरीके से सेम यहाँ पर देखिए फर्स्ट टाइम था ये मतलब इसकी पावर अपने पास वन थी यहाँ पर अब नेक्स्ट टाइम यहाँ पर क्या हो जाएगा इसी को यहां पर लिखेंगे और देखो यहाँ पर क्या था अपने पास इस तरीके से मान के चले स्टार्टिंग में अपने पास यहाँ पर था यही फॉर्म समझ सकते हैं आप जैसे कि यहाँ पर थे वन अपोन में जीरो फैक्ट्रीअल यहाँ पर मेरे पास हुआ फिर ये वन अपोन में वन फैक्ट्रियल ठीक है और यहाँ पर भी यही ये यह जो फॉर्म है ये यह यहाँ पर भी थी बट इसकी पावर आप समझ सकते हैं कि जीरो थी ठीक है इस तरीके से याद करेंगे तो काफी इजी रहेगा अगर मैं फिर से लिखता हूँ यहां पर इसको देखिए अपॉन में जीरो फैक्टोरियल ठीक है अब यही फॉर्म में लिख रहा हूं यहां पर इस तरीके से याद करेंगे तो काफी जी रहेगा आपको कुछ ज्यादा याद नहीं करना इसमें देखो इसकी पावर है जीरो पर फिर ए बी ठीक है अब यही जो सेम फॉर्म है यही रिपीट होते चले गए आगे यहाँ पर वन हो जाएगा फिर टू हो जाएगा फिर थ्री हो जाएगा यहाँ पर जीरो तो पर वन हो जाएगा टू हो जाएगा थ्री हो जाएगा जीरो का जो फैक्टोरियल होता है आपको पता है वन के इक्वल होता है किसी भी अपने पास कोई भी वैल्यू होती है उसकी पावर में यदि जीरो होता, तो होता है तो वो के केवल होता है तो रहेगा क्या यहाँ पर केवल ये फॉर्म रहेगी जो कि यहाँ पर हमने लिख रखी है ठीक है फिर यहाँ पर वन अपॉन में वन फैक्टल्व यही फॉर्म लिखेंगे X -A, एक्स नेगेटिव ए करली अपॉन में कर ली एक्स प्लस वाई नेगेटिव बी करली अपॉन में कर ली वाई अब यहाँ पर जीरो था तो यहाँ पर हो जाएगा वन इंटू में एफ ऑफ ए बी बिल्कुल इसी तरीके से हो जाएगा फिर नेक्स्ट टाइम वन था यहाँ पर तो ले लेंगे टू फैक्ट्रेल्व इसी तरीके से एफ ऑफ ए करली अपॉन में कर ली एक्स वाई नेक्टिव बी करली अपॉन में करली वाई यहां पर वन था तो यहाँ पर हो जाएगा स्केर अफ ऑफ ए और बी फंक्शन में हम ये वैल्यू पुट कर रहे हैं एक्स वाई की जगह इसी तरीके से चलता रहेगा और जनरली जो अपने पास अनथ फॉर्म होती है हमें नहीं पता कहाँ तक इसका हमें यूज करना है जिस तरीके से क्वेश्चन में मैं बोलेगा कि आप इसको यूज करिए सेकंड टर्म तक मतलब कि सेकेंड डिग्री अलग तो हम इसको यहाँ तक यूज करेंगे अगर थर्ड डिग्री अलग कहेगा तो एक बार थ्री वाली फॉर्म भी ले लेंगे केवल हमें यहाँ पर थ्री कर देना है हो यहाँ पर थ्री कर देना है ठीक है फिर फोर वाली कहेगा तो फोर ले लेंगे इसको फोर टाइम्स ले लेंगे अब हमें नहीं पता कि लास्ट टाइम क्या होगा यहां पर लास्ट टाइम अपने पास क्या होगी तो उसको हम धर्नल कुछ इस तरीके से लेते हैं आर एन की फॉर्म में प्लस आर एन ये अपने पास लास्ट टाइम रहेगी वे हर अपने पास क्या होती है लास्ट टाइम किस तरीके से होती है इसमें थोड़ा तो डिफरेंस आ जाता है देखो यही फॉर्म लिखेंगे अनंत करके यहां पर ठीक है वाई नेग बी कर ली अपन में कर ली वाई इसकी पावर अन कर दी ठीक है अब फोर्फ अभी जहां पर हम ए प्लस बी ले रहे थे ना इन सभी में अब अनथ में हम कुछ इस तरीके से लेंगे ए फिर प्लस एक्स नेगेटिव ए इंटू में थीटा फिर बी प्लस वाई नेगेटिव बी इंटू में थीटा ये समझना है क्या आप इसको भी हम समझ जाएंगे अभी एग्जाम्पल नंबर जो सेकंड करेंगे उसमें क्लियर आउट हो जाएगा सब कुछ एग्जाम्पल जो है उससे कई गुना ज्यादा अपने पास एक्सरसाइज ईजी रहेगी ठीक है एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है तो इस वीडियो में इन्हीं को हम समझते हैं स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट के साथ काफी इंपॉर्टेंट है देखिए एक्सपैड ये अपने पास फंक्शन है अफ ओव एक्स वाई ये अपने पास है फंक्शन कुछ इस तरीके से ठीक है दो वेरिएबल है तो मैंने कुछ इस तरीके की फॉर्म में इसको लिख लिया लेट करते हुए y की पावर फोर अपने पास जो पॉइंट है गेहूं यहाँ पर प्वाइंट अपने पास है, वन वन ठीक है अब देखिए अप टू द टर्म्स ऑफ सेकेंड डिग्री सेकेंड डिग्री के टर्म्स तक हमने इनको ओपन करना है

वाई नेगेटिव वन करली अपन में कर ली y इंटू मेफ ऑफ वन वन ठीक है प्लस देखो व, अपने पास ये दो तो था जीरो के लिए ये था वन के लिए ये वन डिग्री है ना ये ये वन डिग्री है और मैंने आपको स्पष्ट कर दिया यहां पर ये जीरो डिग्री है ये वन डिग्री है ये अपने पास टू डिग्री है तो यहां तक हमें इसको लेना है इतना एक्सपेंड हमें कर देना है ठीक है फिर थर्ड सेकेंड टाइम हम कर रहे हैं सेकेंड डिग्री के लिए तो वन अपॉन में टू फैक्टोरियल एक्स नेगेटिव वन लिए अपॉन में कर ली एक्स प्लस वाई नेगेटिव वन लिए अपॉन में कर ली वाई इसकी डिग्री अपने पास क्या रहेगी यहाँ पर टू रहेगी अफ ऑफ वन वन ठीक है इस तरीके से डोर डोर से दर्शा देंगे हमें केवल इतना शॉल आउट करना है ठीक है अब एफ वन वन इसकी वैल्यू किस तरीके से आ जाएगी यहां पर इसकी वैल्यू किस तरीके से आ जाएगी यहां पर ये आ जाएगी अपने पास ये था अपने पास एक्स के जगह वन पुट करेंगे वाई के जगह करेंगे तो वन प्लस ये वन फिर नेगेटिव वन कैंसिल आउट होते हुए अपने पास वैल्यू आ गई इसकी इक्वल टू वन ठीक है यहां पर वन पुट कर देंगे एक बार मैं इनको ओपन करके ले देता हूँ इसके अंदर मल्टीप्लाई करते हुए ताकि इजिली आप समझ पाए इसको ठीक है तो देखिए देखिए एक बार इसको हमने सोल आउट किया यहां पर वन के इक्वल इक्वाल अब इसको हम सोल आउट कर देते हैं अलग से यहाँ पर फिर सभी के पुट कर देंगे एक बार इसको सोल आउट करेंगे फिर एक बार इसको सोल आउट करेंगे तो तीनों टर्म है इनको आउट करके यहाँ पर पुट कर देंगे इसको हम लाइट कर सकते हैं पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट ठीक है इसको लैक्ट कर लिया हमने इक्वेशन नंबर सेकंड इन सभी वैल्यूज को पुट करेंगे इसमें ठीक है इक्वेशन नंबर फर्स्ट में तो इसको आउट कर रहे हैं फिलहाल तो यहां पर मैं लिख देता हूँ कुछ इस तरीके से कर लिए अपन में कर ली वाई इसकी डिग्री अपने पास वन है या फिर मैं कई बार पावर बोल देता हूँ तो एक ही बात रहती है वो ठीक है एफ ओफ वन वन अब इसका मतलब क्या निकलता है देखो इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स नेगेटिव वन कर अपन में कर लिया एक्स एफ ओफ वन वन

जो अपने पास ये फंक्शन है इसको हमें पार्शली डिफ्रेंशिएट कर देना विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा फोर इसकी पावर थ्री यहां पर हो जाएगा टू एक्स वाइस देखो पार्शली जब भी हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो जो ये वाई एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट होगा तो ये जीरो हो जाएगा अब जब हमने इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया तो जो एक्स एंड वाई है वहां पर हम वन वन वैल्यू पुट कर देंगे ठीक है ये मतलब निकलता है इसका तो यहां पर वन वन पुट करेंगे तो ये हो जाएगा देखो फोर ही रहेगा यहाँ पर ठीक है फिर यहां से टू रहेगा तो एक तरीके से अपने पास वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से सिक्स आ जाएगी ठीक है फिर y नेगेटिव वन अब y के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे पार्सली तो देखो ये तो जीरो हो जाएगा यहां से यहां से रहेगा अपने पास टू एक्स केयर वाई यहां से अपने पास फोर वाई क्यूब ठीक है यहां पर वन वन पुट करेंगे अब तो टू नेगेटिव फोर तो नेगेटिव टू रहेगा ठीक है मैंने ये वैल्यू पुट कर दी अब तो नेगेटिव टू आ जाएगा इसको लेट करता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर थ्री यहां पर ठीक है इसको हमने लेट किया क्वेश्चन नंबर सेकंड इसको थ्री सेकेंड थ्री और एक फोर्थ और बना लेंगे सभी को फर्स्ट में पुट कर देंगे ठीक है अब इसको सोल आउट करते हैं हम तो इसको लेता हूँ मैं यहां पर देखिए ये क्या है यहां पर इसको आप कुछ इस तरीके से समझें ए फिर प्लस बी और फिर इसका होल स्केयर है यहां पर तो वही आइडेंटिटी यहां पर यूज कर देंगे सबसे पहले तो हम ठीक है तो इस तरीके से हो जाएगा एक्स नेगट्टिव वन कर ली अपॉन में कर ली एक्स इसका यहां पर कर देते हैं स्केयर फिर टू इन में एक्स नेगट्टिव वन वाई नेगट्टिव वन कर अपन में कर ली है देखो ये मल्टीप्लाई में है ना ये दोनों तो यहां पर हो जाएगा कुछ इस तरीके से समझ पा रहे होंगे यहां पर मैंने यहां पर क्या किया मैंने यहां पर कर दिया ए स्केयर प्लस टू ए बी अब मैंने यहां पर ये कर दिया अब मैं करता हूँ यहां पर बी स्केयर तो सिंपल तरीके से हो जाएगा प्लस वाई नेक्टिव वन इसका यहाँ पर स्केयर करेंगे ठीक है कुछ इस तरीके से हो जाएगा यहां पर मैं स्केयर कर देता हूँ इसका अलग से ठीक है आप समझ पा रहे होंगे अब क्लियरली इसको देखते हुए ठीक है जब इस तरीके से कर दिया तो में बने पास टू पर फंक्शन कुछ इस तरीके से अब ये इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो जैसा हमने यहाँ पर लिखा था उसी तरीके से लिखेंगे अब देखो यहाँ पर डबल डेरिवेटिव है अपने पास पार्सली तो इस तरीके से हो जाएगी फॉर्म जब इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ लिखेंगे तो अफ एक्स एक्स वन वन यहाँ पर टू एक्स नेगटटिव वन वाई नेगेटिव वन यहां पर हो जाएगा एफ एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में एक बार के में ठीक है वो वन वन अब यहां पर क्या हो जाएगा वाई कुछ इस तरीके से इसका क्या मतलब निकलता है कि जो अपने पास फंक्शन है उसको दो बार हम पार्शियली डेरिवेटिव करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में फिर हम वन वन में पुट करेंगे एक्स वाई के जगह तो देखो एक बार तो हमने यहां पर कर दिया था अब इसी का सेकेंड टाइम करेंगे तो क्या हो जाएगा दो बार हो जाएगा तो ये हो जाएगा ट्वेल्व एक्स प्लस टू वाई स्केयर एक्स के रिस्पेक्ट में दो बार हमारे पास ये हो चुका है एक बार ये क्या है हमने पहली बार जो किया था स्टेप में फिर इसी का ये कर दिया तो इस तरीके से हो गया अब वन वन पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा फोर्टीन हो जाएगा तो सिंपल तरीके से अपने पास हो जाएगा यहां पर एक्स नगेटिव इंटू में फोर्टीन प्लस टू इंटू में ये एज इट इज रहेगी ये फॉर्म तो यहां पर देखिए एक बार हम इसका करेंगे x के रिस्पेक्ट में फिर हम करेंगे y के रिस्पेक्ट में फिर हम यहां पर वैल्यू पुट करेंगे वन वन तो के रिस्पेक्ट में हमने ये कर रखा है अब इसी का y के रिस्पेक्ट में कर देंगे तो देखो ये तो एज ए अपने पास क्या हो जाएगा कॉन्सेंट्रेट होगा तो यहां पर ये क्या हो जाएगा फोर एक्स वाई कुछ इस तरीके से वन वन पुट करेंगे यहां पर तो सिंपल तरीके से ये अपने पास यहां पर हो जाएगा देखो यहां पर फोर लिखूंगा मैं इसके साथ मल्टीप्लाई जब ये हो जाएगा तो यहां पर एट लिख सकते हैं हम ठीक है फोर इन में ये जो टू था ना यहां पर एट कर दिया मैंने प्लस अब यहां पर भी वही बात है इसको तो लिखेंगे एजीज हम अब फोर्फ देखो यहां पर डबल वाई आएगा डबल डायरेवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू वाई ठीक है माफी चाहूंगा इन मिस्टेक्स के लिए तो यहां पर एक बार हमने वाई के रिस्पेक्ट में किया था इसको इस स्टेप में जब हम इसको कर रहे थे रोल आउट एक बार वो कर देंगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा सिंपल टू एक्स स्केयर नेगेटिव फोर देखो आगे आ जाएगा थ्री तो ट्वेल्व वाई स्केयर कुछ इस तरीके से हो जाएगा यहां पर वन वन पुट कर देंगे तो यहाँ पर वन हुआ यहाँ पर वन क्या हो जाएगा टू कि मतलब टेन तो ये हो जाएगा सिंपल तो तरीके से हमारे पास नेगेटिव वाई नेगेटिव वन इसका स्केयर इंटू में टेन इसको लैक्ट कर लेते हैं यहाँ पर हम इक्वेशन नंबर फोर्थ लिख देंगे पुट वैल्यूज ऑफ इक्वेशन नंबर सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट इक्वेशन नंबर फर्स्ट अपने पास ये थी यहाँ पर जनरल फॉर्म जैसे कि आप ये देख पा रहे होंगे पर ब्लैक फोन से शो कर रखिये कुछ इस तरीके से यहाँ पर जैसे ही हम वैल्यूज को पुट करेंगे तो अब मैं बुक में आ जाता हूं तो हमने क्या क्या कर लिया यहाँ पर हमने सिंपल तरीके से एक तो इसकी वैल्यू निकाल ली इसकी निकाल ली और इसकी निकाल ली ठीक है इसकी वैल्यू अपने पास ये आई थी जैसे कि यहाँ पर निकाल रखी है अपने पास ठीक है इक्वेशन नंबर थर्ड हमने रखा है इसको इसकी वैल्यू ये आई थी जो कि अभी अभी हमने निकाल लिया कुछ इस तरीके से ठीक है इन वैल्यूज को हम इक्वेशन नंबर जो ये फर्स्ट है यहां पर पुट कर देंगे तो जो अपने पास सीरीज बनेगी कुछ इस तरीके से बन जाएगी इसके जगह हमने पुट की वैल्यू तो अपने पास ये वन पुट कर दी ठीक है इसके जगह हमने ये वैल्यू पुट कर दी यहां पर जैसे कि आप यहां से देख पा रहे हो वन बाय टू फैक्ट्री अपने पास इस फॉर्म में ही था ठीक है हमने एच रखा था यहां पर क्योंकि हम इसको आउट कर रहे थे ठीक है केवल और जो अपने पास इसकी वैल्यू आई थी आउट करते हुए ये थी ये हमने यहां पर पुट कर दी सिंपल तरीके से इसने क्या कर दिया यहां पर देखो यहां पर भी वही बात है पहले इस तरीके से था टू फोर हमने मल्टीप्लाई करते हुए एट कर दिया तो इसने बिल्कुल उसी बात में इसको लिख दिया टू और फोर और फिर इसने एट करके यहां पर लिख दिया तो यहीं पर अपने पास क्वेश्चन समाप्त हो जाता है इतना ही हमें इस क्वेश्चन में करना था समझ में आया होगा आपको नेक्स्ट देखिए